सीरीज में आपका स्वागत है। मैं ऋतिका और ये है सार्थक। और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेकफास्ट रेसिपीज। और ब्रेकफास्ट रेसिपीज की खास बात क्या है, क्या है? वो है हाई प्रोटीन रेसिपी। यस, ऑल द रेसिपीज आर हाई प्रोटीन रेसिपीज। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज हैं, आप उन्हें खिला सकते हैं। सारी रेसिपीज बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा, सैंडविच से लेके मफिन से लेके पराठा, आई मीन सब कुछ है इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगा, तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है food for foodie 6। आइए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। जब बात हो बच्चों की ग्रोथ की, तो पहला जो नाम दिमाग में आता है वो है लिटिल जॉयज न्यूट्री मिक्स, क्योंकि इसमें है गुडनेस ऑफ आलमंड एंड वॉलनट, साथ में रागी बाजरा, ओट्स के भी इसमें गुण है। साथ में इसको स्वीटन किया गया है डेट्स एंड जैगरी शुगर से। इसमें बिल्कुल भी व्हाइट शुगर नहीं है और ये चॉकलेट फ्लेवर में आता है, तो बच्चों को खूब पसंद आता है। लिटिल जॉयज न्यूट्रीमिक्स को सर्व करने के लिए आपको चाहिए 1 ग्लास दूध। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, दूध जो है हमेशा ल्यूकवार्म लीजिए, यानी कि थोड़ा सा गर्म। इससे क्या होता है, जो फ्रॉदीनेस है वो ज़्यादा अच्छी आती है, बिल्कुल फ्रॉदी शेक बनता है अपना और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पूरा स्कूप भर के न्यूट्रीमिक्स। इसमें है कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड वेट गेन, DHA फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, विटामिन ए फॉर गुड आई साइट, और ये गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। सो सार्थक, डू यू वांट टू ट्राई? इट्स सो यम्मी। यम्मी, यू लाइक इट? आप लिटिल जॉयज का न्यूट्रीमिक्स ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। मैं सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए अब चलते हैं रेसिपीज की तरफ। आज की हमारी पहली रेसिपी होने वाली है मशरूम एंड कॉर्न सैंडविचेस। एंड गाइस, दीज आर जस्ट अमेजिंग। इसमें जो चीज का फ्लेवर है ना, बस क्या कहना। तो आइए जल्दी से देखते हैं मशरूम एंड कॉर्न सैंडविचेस। सैंडविचेस किसे पसंद नहीं होते, और अगर नाश्ते में मिले आपको प्रोटीन रिच सैंडविच एकदम बल्ले बल्ले, तो आइए बनाते हैं फटाफट सैंडविच की फिलिंग। कढ़ाई में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी, उसमें 4-5 लहसुन की कलियां जिनको हमने बारीक काट लिया था। इसका मशरूम के साथ में मिलके बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज डालिए, बहुत अच्छा लगता है। तो जी, ये गए इसमें मशरूम। मशरूम को हमने यहाँ पे किया हुआ है स्लाइस। मशरूम्स को काटने से पहले मैंने इसको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के भिगो दिया था ताकि अच्छे से साफ हो जाए, और उसके बाद में स्लाइस किया था। मशरूम पकने पर अपना पानी छोड़ने लगते हैं, जब तक कि इसका पूरा पानी सूख ना जाए तब तक हमें इन्हें पकाना है। ये देखिए, मशरूम का पानी छूटने लगेगा, ये पूरे श्रिंक हो जाएंगे। और इसमें हम अब थोड़ी सी सीजनिंग्स डालेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन गोल्डन कलर आ गया, मतलब मशरूम पक गए हैं। अब सीजनिंग डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है नमक, फिर उसके बाद में इटालियन सीजनिंग, इसमें ऑरिगेनो भी है और चिली फ्लेक्स भी, और थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आपके पास में इटालियन सीजनिंग नहीं हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, नमक और काली मिर्च से भी एकदम बढ़िया काम हो जाता है। तो फिलिंग हमारी तैयार थी। फ्रिज में थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न रखे थे तो मैंने इसमें कॉर्न भी ऐड किए हैं। तो 1/2 कप इसमें बॉइल्ड कॉर्न डालें, यानी उबले हुए मक्के के दाने, और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मीनवाइल हम ले लेंगे मल्टीग्रेन ब्रेड। आप इसको नॉर्मल ब्रेड में भी बना सकते हैं, बट हम हेल्दी बना रहे थे तो हमने मल्टीग्रेन ले ली। इसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और बटर के ऊपर लगाएंगे मशरूम्स। बटर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कम या ज्यादा लगा सकते हैं, मैंने आज थोड़ा कम ही लगाया है। और इसके ऊपर यहाँ पे मशरूम की लेयर है, ये देखिए, अच्छे से फिलिंग भरी है। ये स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि अब ये दोबारा भी पकेगी जब हम ग्रिल करेंगे। और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक चीज स्लाइस लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं चीज स्लाइस को अवॉइड करना, तो आप यहाँ पे ग्रेट करके पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर का स्लाइस भी रख सकते हैं, उसका टेस्ट भी इक्वली अच्छा आता है। बस पनीर के साथ में आपको नमक थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ऑडी इको बेक का ब्राउन बेकिंग एंड कुकिंग पेपर। इसको हम ग्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये रियूजेबल है, आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिलर को हमने प्रीहीट कर लिया था और उस पर हमने पेपर को सेट कर दिया है। इससे एक तो हमारा ग्रिलर जो है वो गंदा नहीं होता, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, और दूसरा आप इसे बिना बटर और घी के भी ग्रिल कर सकते हैं। जब मैं डाइट का बिल्कुल बनाती हूँ कि नहीं आज बिल्कुल बटर या घी नहीं खाना है, तब तो मैं इसे जरूरी लगाती हूँ। वेल, आज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा बटर लगा के इसको हम लॉक कर देंगे। अरे मतलब लॉक नहीं करेंगे, ग्रिलर को कभी भी आप कंप्लीट लॉक मत कीजिए, उसका लॉक खुला छोड़ दीजिए, जितना ब्रेड दबे बस उतना ही। ये देखिए, इसमें अच्छे से ग्रिलिंग के निशान भी आ गए, काफी गर्म है जब मैंने इसे होल्ड किया हुआ था। और अब हम इसको कट करके सर्व करते हैं। एंड गाइस, लेट मी शो, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी कैफे से सैंडविच आया है, इतनी अच्छी इसकी फिलिंग थी एंड चीज का जो टेस्ट था अमेजिंग।
ब्रेकफास्ट में बनाओ या शाम की कॉफी के साथ खा लो, मजा ही आ जाता है। आप इसकी फिलिंग को एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। वेरी टेस्टी एंड हेल्दी। सो गाइस, ये थे हमारे बहुत ही टेस्टी सैंडविचेस। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। इसमें हम बनाने जा रहे हैं चटपटे दाल वड़ा। यस, चटपटा दाल वड़ा। ये चना दाल वड़ा बहुत ही अच्छे लगते हैं, खास करके बारिश के मौसम में। आप इन्हें स्नैक्स की तरह भी बना सकते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। तो आइए बनाते हैं चटपटे चना दाल वड़ा। बरसात का मौसम हो और हमारे मेन्यू में चटपटे चना दाल वड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए बनाते हैं चना दाल वड़ा। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चने की दाल। इसको मैंने रात में ही भिगो दिया था। अगर आप रात को ना भिगो पाए तो कम से कम इसे 2 घंटे सुबह जरूर भिगोइए, बट सुबह इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए रात को भिगो दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अब हमें दाल को अच्छे से धो के छान लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाना चाहिए, हमें इसे ड्राई ग्राइंड करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत पानी ऐड करेंगे। तो इसको फिलहाल हम ट्रांसफर करते हैं ग्राइंडिंग जार में। और इसके साथ में हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे, जैसे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-6 कली लहसुन, साथ में थोड़ा सा जीरा और करी पत्ता भी मैंने डाला है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। आप यहाँ पे हरी मिर्च भी साथ में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। इनको हमें दरदरा ही रखना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपको बीच में जरूरत लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दाल में बाइंडिंग आ रही है, रात की भीगी दाल है, इस वजह से मुझे पानी नहीं डालना पड़ा। अब इसमें मैंने मिलाया है 1/2 कप पोहा। इसको मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर। पोहा डालने से इसमें एक अच्छी सी सॉफ्टनेस आती है। साथ में प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर दिया है, बिल्कुल बारीक काट के। इन सभी चीजों के साथ में थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें जा रहा है नमक और थोड़ी सी, मैं बिल्कुल इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी तीखी दिखी आ रही है, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी हींग डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के आसपास हींग भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हींग का फ्लेवर चने की दाल के साथ में बहुत अच्छा आता है। अगर आपने लहसुन डाला है तो हींग आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं डाल रहे हैं तो हींग जरूर डालिए, ये बिल्कुल मस्ट है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये देखिए इसकी बाइंडिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर है, और इसके हम वड़ा बनाते हैं। तो इसे हमें हाथ पे फैलाना है और अपनी 3 उंगलियों से इस पे एक छाप बनानी है। वड़ों पे जो उंगलियों के निशान होते हैं ये बहुत ही एस्थेटिक अच्छे लगते हैं एकदम। इन वड़ों को हमें बहुत मोटा नहीं बनाना है, इन्हें हमें थोड़ा पतला ही रखना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। डालते समय तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद में इसे लो कर दीजिए। लो से मीडियम के बीच में हम इसे पकाएंगे ताकि दाल अंदर तक अच्छे से पक जाए। बीच में इसे पलट लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इनको गोल्डन कलर आने तक हम इस तरह से पकाएंगे। लास्ट में आप चाहे तो थोड़ा सा तेज करके अच्छा सा क्रिस्पी वाला गोल्डन ला सकते हैं। तो ये हमारे दाल वड़ास बनके तैयार हैं। ये प्रोटीन रिच भी हैं, बरसात के मौसम में अच्छे भी लगते हैं, चटपटे भी हैं। कैसी लगी आपको ये वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी, मुझे जरूर से बताइएगा। आइए इन वड़ों के साथ खाने के लिए बनाते हैं बहुत ही चटपटी चटनी। तो यहाँ मैंने 1/2 कप मूंगफली ली है, 1 छोटा प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें हैं, लहसुन की 6-7 कलियां हैं और 2 टमाटर हैं। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ऑडी को बेक की कुकिंग पेपर ट्रे, और इससे हम बनाएंगे चटनी। अब इसमें कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हम इसे इंसर्ट कर देंगे एयर फ्रायर के अंदर। एयर फ्रायर बास्केट में अच्छी तरह फिट हो जाती है और इसके अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जैसे ये गई मूंगफली, साथ में मैं डाल रही हूँ प्याज। ये सब काम आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, बट एयर फ्रायर में करने से ये एक साइड होता रहता है, आपको इसे देखना नहीं पड़ता। तो इसमें प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। आप यहाँ पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसी में हमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नमक मैंने डाला है ताकि सब जल्दी से पक जाए, और 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने चॉपस्टिक न जाने क्यों यूज़ की है, क्योंकि सब लोग करते रहते हैं ऐसे, मैंने देखा है वीडियो में, बस इसीलिए। तो यहाँ बास्केट को हम इंसर्ट करेंगे, टेम्परेचर को सेट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे हम टाइमर को सेट करेंगे, पहले मैंने किया था 10 मिनट के लिए और फिर किया था 5 मिनट के लिए, यानी इन टोटल 15 मिनट लगे हैं इन सभी चीजों को अच्छे से भुनने में। तो यहाँ पे आप 15 मिनट के लिए डायरेक्ट कीजिएगा, मगर बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, मतलब 5 मिनट बाद एक बार खोल के अलर्ट पलट कर दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। यहाँ पे मैंने टमाटर के छिलके निकाल दिए थे। ग्राइंड करते समय हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च ऐड करी है अच्छे से कलर के लिए, और इसे हम कर देंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद इतना प्यारा सा इसमें कलर आ गया था। अब इसका तड़का बनाना है, तो यहाँ सरसों का तेल गरम किया, उसमें डाली थोड़ी सी राई,
उड़द और चने की दाल और थोड़े से करी पत्ता, जैसे हम नॉर्मली गरी वाली चटनी छौंकते हैं बिल्कुल वैसे ही। इन सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है, करी पत्ता जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक। और अब हम इस तड़के को चटनी के ऊपर ऐड कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और करी पत्ते को अच्छे से हमने ब्राउन किया हुआ है, इससे वो अच्छे से टूट जाएगा और चटनी के अंदर मिक्स हो जाएगा और चटनी बहुत ही नटी और टेस्टी बन जाएगी, बड़ों के लिए बिल्कुल परफेक्ट। सो गाइस, ये थे हमारे चटपटे दाल वड़े। आई होप आपको भी मन कर रहा होगा कि चटपटे दाल वड़े मिल जाएं इस बारिश के मौसम में। अब चलते हैं अपने वेंसडे की रेसिपी की तरफ। और वेंसडे की रेसिपी तो बहुत ही ज्यादा किड्स फ्रेंडली है। क्या बनाने वाले हैं सार्थक आज? ओट्स एंड आलमंड मफिन। यस, ओट्स एंड आलमंड मफिन। और ये जो मफिन की रेसिपी है, दिस इज बेस्ट रेसिपी सो फार जो मैंने आज तक जो भी केक और मफिन ट्राई करे ना, ये उसमें से बिल्कुल अलग और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। सिर्फ मेरे पास में यहाँ पे कोई हेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट आज नहीं था, तो मैंने नॉर्मल शुगर डाली है। अदरवाइज अगर आप इसमें डेट शुगर या फिर कोकोनट शुगर डालेंगे ना, ये और भी हेल्दी बन जाएंगे। तो जस्ट चेक इट आउट दिस रेसिपी एंड आपको बहुत ही मजा आएगा। क्या मफिन्स भी हेल्दी एंड टेस्टी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आइए बनाते हैं ओट्स और आटे से बने हुए बहुत ही बढ़िया मफिन्स। तो यहाँ मैंने लिए हैं इंस्टेंट ओट्स, इन्हें हमें ग्राइंडर जार में डालना है और पीस लेना है। इन्हें रोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इनको पीस के पाउडर बनाना है। अब एक बोल में हम डालेंगे आधा कप दही, साथ में हम डालेंगे इसमें 3 चम्मच ऑलिव ऑयल। कप पे मत जाइएगा, बाकी सब कप्स में कुछ कुछ रखा था इसलिए मैंने इसी में 3 चम्मच नापा है। साथ में 3/4 कप पाउडर्ड शुगर, आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी हेल्दी सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वेनिला एसेंस, लगभग 1 चम्मच। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि आपकी सारी चीजें जो आप मफिन बनाने के लिए यूज कर रहे हो वो रूम टेम्परेचर पे रहें। इन्हें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसी मिक्स में हम डाल देंगे वो ओट फ्लावर जो हमने पीस के तैयार किया है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाया है, अगर आप थोड़ा सा दरदरा रखेंगे तब भी अच्छा है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें इसमें बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं, बट उसके पहले इसका जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ओवर मिक्स हमें बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है और उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 1/2 कप गेहूं का आटा, साथ में डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इसमें टोटल 1 कप फ्लावर है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर नमक के साथ में रिएक्ट करता है और बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट करता है दही के साथ में। तो यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाला है ताकि हमारे मफिन्स बिल्कुल सॉफ्ट बने। साथ ही जाएगा बिल्कुल 1 चटकी नमक। अब इन सभी चीजों को हम छान लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से सीव में छन जाता है। आप नॉर्मल वाली सीव भी यूज कर सकते हैं। आज मेरी सारी सीव जो थी वो ऑक्यूपाइड थी इसलिए मैंने ये वाली यूज करी है। तो यहाँ पे हम आटे को छान लेंगे। जब आप आटे को छानेंगे तो उसमें से चोकर जो है वो ऊपर रह जाएगा, बट हमें इसमें चोकर भी ऐड कर देना है क्योंकि इसी में तो सारा फाइबर है, तो हम इसमें ये भी डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। गाइस, ट्रस्ट मी, ये मफिन्स बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप बस इसमें करेक्ट मेजरमेंट फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पे दही की कंसिस्टेंसी डिफाइन करेगी कि आपको इसमें मिल्क डालना है या नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। मफिन का जो बैटर होता है वो केक बैटर से थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है, तो हमारा बैटर आज बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आपका बैटर थोड़ा ड्राई हो तो आप उसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं। आप जरा इस बैटर की कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब हम इसको एक लाइन ट्रे में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसको मैंने कपकेक लाइनर से लाइन किया हुआ था। ये सिलिकॉन ट्रे है, लाइन करने की जरूरत नहीं है, बट ये निकल के जब आते हैं तो मुझे ज्यादा प्रिटी लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लाइनर्स लगाए हैं। इतने बैटर में 6 बिग साइज मफिन्स बने हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में। इसे मैं इजिली 7-8 कर सकती थी, बट आज मैंने काफी बड़े बड़े मफिन्स बनाए हैं। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा बादाम डालेंगे और साथ में चोको चिप्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने चोको चिप्स डाल दिए हैं। ऐसा भी होना चाहिए ना कि बच्चों का मन करे कि हाँ इसे खाया जाए। तो हमारे इतने प्रिटी मफिन्स तैयार है अवन में जाने के लिए, जिसको मैंने प्रीहीट किया हुआ था 180°C पे। इसको हमें पहले ही कर देना है ताकि बाद में बिल्कुल रेस्टिंग का टाइम ना मिले। अब इसमें हम फटाफट डालते हैं अपनी ट्रे जो हमने सेट की है और अब हमें टाइमर सेट करना है। टाइमर को मैंने यहाँ पे 17 मिनट सेट किया है। 17 मिनट्स के बाद में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रैक की हाइट डिफरेंट होती है तो बेकिंग टाइम डिफर कर जाता है। आप इसे 15 ही मिनट कीजिएगा, उसके बाद में चेक कीजिएगा। मेरे के लिए 17 मिनट बिल्कुल परफेक्ट था। एक बार चेक किया और दोबारा मैंने इसको 1 मिनट के लिए लगाया था, तो इन ऑल 18 मिनट्स लग गए थे। और यहाँ पे मैंने अवन के अंदर ही चेक किया था नाइफ को एंड इट वॉज कमिंग आउट परफेक्टली क्लीन। तो इसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। मफिन्स को थोड़ी देर ठंडा होने दीजिएगा ताकि जो ऊपर का क्रस्ट है वो भी सेट हो जाए। अगर आप इसे ढक के रखेंगे
तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, और अगर आप इसे खुला ही ठंडा करेंगे तो ऊपर का जो क्रस्ट है वो क्रंची रहेगा, ये आपकी चॉइस पे है। तो मफिन रेडी है टेस्ट होने के लिए। एंड गाइस लुक एट इट्स टेक्सचर, आई मीन कितना ज़्यादा बढ़िया है, बाहर से ही पता चल रहा है कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा होने वाला है। और जल्दी से इसे कट करके देख लेते हैं। एंड दे वर स्मेलिंग, आई मीन बहुत ही अच्छा, एकदम हेवनली। आटे की जो स्मेल होती है ना वैसे बहुत अच्छी आती है। और इसका आप अंदर से टेक्सचर देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी है, कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें मैदा नहीं है, ये ओट्स और व्हीट फ्लावर वो भी चोकर के साथ बनाया। सो गाइस लेट मी टेल यू, इट इज वर्थ ऑल द मेस इन योर किचन। टेस्ट सारा कभी सोके उठा वो टेस्ट नहीं करेगा, बट इट्स अमेजिंग मैन। अमेजिंग, अ मस्ट ट्राई रेसिपी, आई मस्ट से। सो गाइस ये थे हमारे बहुत ही टेस्टी ओट्स एंड आमंड मफिन। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं एंड दे आर वेरी हेल्दी एंड इजी टू मेक, है ना। आप इसे ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे बने। अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, और इसमें मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल एंड ओट्स का चीला। एंड अगेन ये बहुत ही टेस्टी है, सुपर ब्रेकफास्ट। इसे रख के खाने पर भी ये अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ओट्स की वजह से काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो आइए बनाते हैं ओट्स एंड मूंग दाल चीला। मूंग दाल एंड ओट्स दोनों ही प्रोटीन का रिच सोर्स है, साथ में फाइबर का भी, तो इन दोनों को मिला के बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चीला। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल, इसको मैंने रात को ही अच्छे से धो के भिगो दिया था। भिगोने के बाद भी इसे वॉश किया है, बट वो जो ग्रीन ग्रीन छिलके निकलते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं निकाला है क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे मिक्सर जार में, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ओट्स। अगर आप 1 कप मूंग की दाल ले रहे हैं तो 1/2 कप ओट्स इसमें लग जाएंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड करेंगे, जिसमें जा रहा है अदरक, थोड़ा सा गार्लिक यानी कि लहसुन और हरी मिर्च। इन सभी चीजों को हमें ग्राइंड करना है। पीसते समय हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो इसका बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बने। तो यहाँ पे हम इसे पीस लेते हैं और इसका बैटर रेडी है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ पीस के हमने तैयार कर लिया है। मैंने दोनों बैच पीस लिए थे, और अब हम इसमें मिलाएंगे सब्जियाँ, जिसमें जा रही है बीन्स, गाजर, हरा धनिया और प्याज। आप इसमें शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये चीले बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर कुछ ना हो तो आप इसमें लौकी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले जा रहा है नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। हरी मिर्ची हमने ऑलरेडी साथ में पीसी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अवॉइड करी है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी थी, तो मैंने 2-3 चम्मच पानी मिलाया है। आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल डोसा बैटर वाली होनी चाहिए। ये देखिए ये वाले जो चीले होते हैं ये मीडियम क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं अच्छे लगते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सॉकी होते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉकी लगते हैं। तो पैन पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसके बाद में बैटर डालेंगे। जो फर्स्ट चीला हम डालेंगे उसमें हम घी लगाएंगे, बाकी सबको हमें ड्राई पैन पे ही डालना है। मतलब आप एक बार पैन को चिकना कर लीजिए, उसके बाद बार बार घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये चीले नॉनस्टिक पैन पे बनाए हैं क्योंकि निकलना जो है इसे काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि दाल अच्छे से पक गई है। ढक के पकाना इसलिए जरूरी है ताकि दाल अच्छे से पक जाए। ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे और चीले को फ्लिप कर देंगे। ये देखिए एक तरफ से चीला अच्छे से पक गया है, इसको हम अच्छे से प्रेस करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो चीला हमारा रेडी है सर्व करने के लिए, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आप इन्हें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें पनीर ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट ये चीले ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज वेरी गुड ब्रेकफास्ट एज वेल एज डिनर रेसिपी। आज मैं इसको दोनों तरह की चटनी के साथ और आम के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको ये वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो गाइस ये थे हमारे ओट्स एंड मूंग दाल चीला, और अगली रेसिपी हमारी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। गर्मियों में अगर सत्तू की बात ना हो तो पूरा होता ही नहीं है। तो आइए बनाते हैं आज के ब्रेकफास्ट में सत्तू के पराठे। और मुझे याद है जब मैं बैंगलोर गई थी तब मैंने वहां पे पहली बार सत्तू के पराठे खाए थे। वहां पे एक बिहारी शॉप हुआ करती थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जहां हम लोग रहते थे उसके पास में सत्तू के पराठे मिलते थे और दही के साथ में सर्व करता था, एंड ऑसम। तो आइए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया से सत्तू के पराठे। चना होता है फाइबर और प्रोटीन का रिच सोर्स, तो हम चने को कैसे भूल सकते हैं अगर हम प्रोटीन रिच रेसिपीज बनाएं। तो यहाँ मैंने लिया है चने का सत्तू। अगर आपके पास में चने का सत्तू अवेलेबल नहीं है, वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, तो आप जो चने आते हैं रोस्टेड चने उन्हें भी पीस के सत्तू बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप सत्तू, जो काफी है 4 से 5 पराठों के लिए। इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि जो हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ब्लैंड है, मतलब उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं है। थोड़ा सा इसमें जा रहा है भुना जीरा पाउडर, साथ ही इसमें कुछ जाएगा प्याज, हरी मिर्च और हरी धनिया। इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। जब ये मुंह में आते हैं ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप यहाँ पे प्याज पीस के भी डाल सकते हैं, बट ये जो कटे वाले होते हैं इनका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। प्याज ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और ये हमारे परांठे की फिलिंग रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास में सत्तू रेडीमेड रखा हुआ है तो इस फिलिंग को बनाने में आपको सुबह हार्डली 5 मिनट लगेंगे। एंड गाइस, फिलिंग इज रेडी। आटा आप रात में करके रख सकते हैं और अब मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप उस तरह से परांठा बनाइए। एक लोई लेंगे, उसको सूखे आटे में लपेट लेंगे और उसको हाथ से पहले हल्का सा फैलाएंगे। इसको हम थोड़ा सा बेलन से भी फैला लेंगे ताकि जो इसमें फिलिंग है वो अच्छे से भरी जाए। तो यहाँ पे हमने इसे बेलन से फैला लिया है। एक्चुअली जो फिलिंग है थोड़ी सी ड्राई होती है, इसलिए इसको परांठे में अच्छे से फैला देना होता है। बट इसके साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि तवे पे चिपकती नहीं है, अगर परांठा कहीं से फट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल कटोरी नुमा बना लिया है और खूब सारी फिलिंग हम इसमें भर देंगे। ये देखिए, आप इस फिलिंग को टेस्ट करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ज़रा सा अमचूर भी मिला सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से सील कर देंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो निकले नहीं। मेक श्योर ये परांठे जो है वो साइड से ना फटें। इसको हम अच्छे से हाथ से दबा के थोड़ा सा फैलाएंगे, ये देखिए। और इसके बाद में हम इसे बेलन से प्रॉपर बेल लेंगे। ये थोड़े से मोटे ही बनेंगे क्योंकि जो हमने फिलिंग भरी है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आटे में मिक्स हो जाएगी, वो अलग ही रहेगी। बहुत ही बढ़िया बनते हैं परांठे। आप इनको कभी भरते के साथ में खाइएगा, बैगन के भरते के साथ में, बहुत अमेजिंग लगते हैं। अब एक दो जगह से फट गया है बट नॉट एन इश्यू, आराम से बन जाएगा। तवा हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। जब हम पराठा डाल देंगे तो इसे लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। अब इसे फ्लिप करेंगे, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप यहाँ पे अगेन अपनी श्रद्धा अनुसार घी डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम, जितना आप खाना चाहते हैं। और इसको हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छे से बने। दोनों साइड घी लगा के हमें सेकना है। क्रिस्पी क्रिस्पी परांठा बनके तैयार है, फटाफट बन जाते हैं। सुबह के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इनफैक्ट ब्रंच के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको मैं आज दही के साथ सर्व कर रही हूँ और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इसकी फिलिंग जो है कितने अच्छे से पूरे परांठे में फैली हुई है। और इसे हम तोड़ लेते हैं। इस समय जब मैं परांठा तोड़ रही हूँ तो परांठा अच्छा खासा गर्म है, इसलिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक बाइट लेते हैं और उसको दही के साथ में डिप कर लेते हैं। एंड गाइस, This was so yummy. Do try this. So guys, ये थी आज की हमारी high protein recipes and I hope आपको पसंद आई होंगी। कैसी लगी मुझे comment section में जरूर से बताइएगा। हाँ, और बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और भी मजेदार रेसिपीज के साथ में और भी इनोवेटिव रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए keep watching and bye bye. Keep watching and bye bye.